गुजरे कुछ सालों में बॉलीवुड ढेरों एक्टर्स को खो चुका है, जिनमें से कईयों के रुखसत होने की चर्चा हुई तो कई ऐसे भी थे जो चुपके से अलविदा कह गए और दुनिया को पता भी न चल सका। चर्चा हुई भी तो कुछ इस तरह कि लोगों को इसकी खबर भी न हो सकी। भला हो सोशल मीडिया का जो छोटी से छोटी खबरों को भी सुर्खियों में तब्दील कर हर किसी तक पहुँचा देता है, वो भी पल भर में। आज हम बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही कॉमेडियंस की यादों को ताज़ा करेंगे, जिन्होंने न सिर्फ अपने जीते जी हमें गुदगुदाया है, बल्कि आज जब वो हमारे बीच नहीं है तब भी के किरदार हमें वैसे ही हंसाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। लेजेंडरी एक्टर जॉनी वॉकर, जगदीप और कादर खान आदि सहित विजू खोटे, जसपाल भट्टी और लक्ष्मीकांत बेर्डे जैसे 80s और 90s के ढेरों जाने माने कॉमेडियंस बीते कुछ सालों में ये दुनिया छोड़ चुके हैं। न सिर्फ फिल्मों के बल्कि टेलीविजन से मशहूर हुए कई कॉमेडियंस अब हमारे बीच नहीं है। ऐसे कई मशहूर और गुमनाम एक्टर्स पर नारद टीवी समय समय पर वीडियो लाता ही रहता है। इस कड़ी में आज हम जिन एक्टर्स की बात करने वाले हैं उनमें से पहला नाम है नीरज बोरा जी का, जो न सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि बतौर राइटर और डायरेक्टर भी फिल्मों में सक्रिय थे। कम लोगों को ही पता होगा कि नीरज बोरा संगीत के भी बड़े अच्छे जानकार थे। 22 जनवरी 1963 को गुजरात के भुज में जन्मे नीरज बोरा की पढ़ाई मुंबई से हुई। उनके पिता पंडित विनायक राय नयनलाल बोरा जी एक शास्त्रीय संगीतज्ञ थे और एक जाने माने तारा शहनाई वादक थे। शास्त्रीय संगीत का माहौल नीरज के परिवार में किस कदर था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें ना तो फिल्म संगीत को सुनने की अनुमति थी और ना ही फिल्में देखने की। हालांकि नीरज के पिता इस मामले में जितने सख्त थे, उनकी मां प्रेमिला बेन को फिल्मों में उतनी ही ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए वे जब भी फिल्में देखने जाया करती तो अपने बेटे नीरज को भी अपने साथ लेकर जाती, जिसका नतीजा ये हुआ कि नीरज को कम उम्र में ही फिल्मों के प्रति एक लगाव सा बन गया। नीरज मुंबई के खार में जिस स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पिता से शास्त्रीय संगीत सीखने जाया करते थे। हालांकि वे स्टूडेंट्स वहां जाते तो थे शास्त्रीय संगीत सीखने, लेकिन मौका पाते ही खुराफाती नीरज उन्हें हारमोनियम पर बॉलीवुड के गाने सिखाने लगते थे। इसका फायदा ये हुआ कि नीरज अपने स्कूल में खूब मशहूर हो गए। अभिनय के क्षेत्र में नीरज की शुरुआत हुई गुजराती नाटकों से। दरअसल उनके पिता के साथ बहुत सारे गुजराती नाटक के लोग काम करते थे, जिनका आना जाना उनके घर पर लगा ही रहता था, जिसकी वजह से 6 वर्ष की उम्र से ही उनका झुकाव गुजराती थिएटर की ओर हो गया था। हालांकि तब किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब नीरज 13 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपने इस चाहत को जाहिर कर दिया, जिसके लिए उनके पिता ने भी उनका सपोर्ट किया। अपने कॉलेज के दिनों तक आते आते नीरज ने इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का मन बना लिया और कॉलेज में थिएटर करने के साथ साथ एक प्रोफेशनल थिएटर एक्टर बन गए। उस दौरान उन्होंने एक्टिंग के लिए कई इंटर कॉलेज पुरस्कार भी प्राप्त किए। 1984 में उन्होंने केतन मेहता की फिल्म होली से फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत की। बाद में टीवी धारावाहिक छोटी बड़ी बातें और सर्कस में भी नजर आए। 1993 में सर्कस के बाद उन्होंने दीपक तिजोरी और आशुतोष गोवारिकर के साथ मिलकर फिल्म पहला नशा बनाई, जिसकी पटकथा नीरज ने ही लिखी थी और साथ ही अपने भाई के साथ मिलकर उस फिल्म का संगीत निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। बाद में मस्त, विरासत, दौड़, मन, हर दिल जो प्यार करेगा, धड़कन, मैंने दिल तुझको दिया, खट्टा मीठा, बोल बच्चन और वेलकम बैक जैसी ढेरों फिल्मों में काम कर बतौर कॉमेडियन नीरज ने अपनी एक दमदार पहचान बना ली। कम लोगों को पता होगा कि फिल्म गोलमाल नीरज बोरा द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक अफलातून पर आधारित थी, जिसे उन्होंने एक मराठी नाटक घर घर से प्रेरित होकर लिखा था। बतौर निर्देशक वर्ष 2000 में आई उनकी पहली फिल्म खिलाड़ी 420 थी। वर्ष 2006 में आई फिर हेरा फेरी फिल्म का लेखन और निर्देशन दोनों नीरज ने ही किया था। एक राइटर के रूप में उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्में लिखी, जिनमें रंगीला, अकेले हम अकेले तुम, अजनबी, जोश, हेरा फेरी, चोरी चोरी चुपके चुपके, दीवाने हुए पागल, आवारा पागल दीवाना, फिर हेरा फेरी आदि फिल्मों के नाम प्रमुख हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था और नीरज हर क्षेत्र में सफल भी हो चुके थे, लेकिन अचानक अक्टूबर 2016 में उनकी तबीयत बिगड़ गई और एक दिन ब्रेन स्ट्रोक के कारण वे कोमा में चले गए। उस दौरान नीरज फिल्म हेरा फेरी 3 पर भी काम कर रहे थे। आखिरकार 14 दिसंबर 2017 को नीरज बोरा जी का देहांत हो गया और एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट को बॉलीवुड और इस दुनिया ने हमेशा के लिए खो दिया। खबरों के मुताबिक नीरज बोरा जी शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी की वर्ष 2004 में ही मृत्यु हो गई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। अगले जिस एक्टर की हम बात करने वाले हैं उनके चेहरे से तो बच्चा बच्चा भी वाकिफ है। पर्दे पर नजर आते ही दर्शकों के चेहरे पर हंसी लाने वाले इस एक्टर का नाम है रज्जाक खान। 28 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे रज्जाक खान के माता पिता अफगान से ताल्लुक रखते थे, जिनके पूर्वज भारत आकर बस गए थे।
रज्जाक कहते थे कि वे एक इत्तेफाक के कारण फिल्मों में एक्टर बन गए थे। कि एक दिन वे किसी होटल में किसी काम से गए थे, जहां वे एक सोफे पर बैठे हुए थे। तभी वहां से गीतकार और लेखक जावेद अख्तर गुजरे। उनकी नजर रज्जाक पर पड़ी और उन्होंने पूछ लिया कि आप क्या काम करते हैं। रज्जाक हैरान रह गए और कह दिया, जी कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ। जावेद ने उनसे पूछा कि फिल्मों में काम करोगे, आपके लिए एक रोल है। रज्जाक को और क्या चाहिए था, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। और इस तरह उन्हें उनकी पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में एक छोटा सा रोल मिल गया। हालांकि उन्होंने 80 के दशक में प्रसारित हुए मशहूर टेलीविजन शो नुक्कड़ से शुरुआत कर ली थी, जिसमें उन्होंने उल्लास भाई के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। वर्ष 1993 में आई फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई और एक के बाद एक उन्हें फिल्मों में ढेर सारे रोल्स मिलने लगे। रज्जाक ने एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए हैं। हालांकि उनके किरदार ज्यादातर मुंबईया टपोर स्टाइल के ही होते थे, लेकिन अपने उन किरदारों को वो हर बार इस अंदाज में निभाते थे कि कभी कोई बोरियत नहीं होती थी। वर्ष 2003 में आई कॉमेडी फिल्म हंगामा के बाबू बिस्लेरी, फिल्म हेलो ब्रदर के नंजा चाचा और अखियों से गोली मारे के टक्कर पहलवान जैसे किरदारों को कौन भूल सकता है। और कौन भूल सकता है फिल्म इश्क में उनके निभाए नवाब संगेजी के किरदार को, जिसे रज्जाक खान ने अपनी नेचुरल एक्टिंग से यादगार बना दिया था। बादशाह, मोहरा, राजा हिंदुस्तानी और फिर हेरा फेरी जैसे ढेरों फिल्मों में दर्शकों को हंसाने वाले रज्जाक खान ने अपने 23 साल के लंबे फिल्मी करियर के दौरान 100 से भी अधिक फिल्मों में एक्टिंग की है। अचानक 1 जून 2016 को दिल का दौरा पड़ने से रज्जाक खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रज्जाक खान की 3 बेटियां और 1 बेटा है। रज्जाक खान जी के बेटे फिलहाल अबू धाबी में एतिहाद एयरलाइंस में कार्यरत हैं। इस कड़ी में जो अगले कॉमेडियन एक्टर हैं, उनका नाम है विवेक शॉ, जो कि एक एक्टर के अलावा एक लेखक और गायक भी थे। 21 जून 1963 को पंजाब के चंडीगढ़ में जन्मे विवेक की असल पहचान जाने माने कॉमेडियन एक्टर जसपाल भट्टी की टीम के सबसे खास एक्टर के रूप में हुआ करती थी। और इस नाते विवेक उनके लगभग हर शो में एक खास किरदार में होते थे, चाहे वो थिएटर हो या टेलीविजन। 90 के दशक में प्रसारित उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो जैसे ढेरों हास्य धारावाहिकों और शोज के हर एपिसोड में वे जसपाल जी के साथ में हमें हंसाते नजर आ ही जाते। हिंदी और पंजाबी फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों के अलावा विवेक ने ढेरों टेलीविजन विज्ञापनों में भी अभिनय किया था। विवेक ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 70 फिल्मों में काम किया था, लेकिन असल मायने में उन्हें जिस फिल्म में पहचान मिली थी वो थी सनी देओल अभिनीत फिल्म गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म के बाद विवेक शौक जी के करियर ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन तभी उनके एक शौक ने या यूं कहे उनके एक जुनून ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। दरअसल विवेक पर्दे पर खुद को स्लिम और फिट दिखाने की चाह रखते थे, जो कि कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन इस काम में उनकी जल्दबाजी एक दिन उनकी जान ले लेगी इसका अंदाजा किसी को न था। बताया जाता है कि अपना वजन घटाने के लिए विवेक ने ठाणे के एक नर्सिंग होम में 3 जनवरी 2011 को एक ऑपरेशन करवाया, जिसे मेडिकल की भाषा में लिपोसक्शन सर्जरी कहा जाता है। उस सर्जरी से 2-3 दिन बाद ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें एक साथ लगातार 3 दिल के दौरे पड़ गए। विवेक की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें इमरजेंसी शॉक भी दिए गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। विवेक कोमा में चले गए और 10 जनवरी को डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महज 48 साल की उम्र में विवेक शॉक इस दुनिया से रुखसत हो गए। विवेक शॉक जी के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। दोस्तों, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। नर टीवी की कोशिश आगे भी ऐसे एक्टर्स पर आधारित वीडियो लाने की जारी रहेगी। हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारा टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।